आज मैं उनके क्षेत्र में भी गया था, वहां भी वो हार रहे हैं। इनके पास सिवाय पैसा खाने के करोड़ों रुपया के घोटाले इनने किए। यहां तक कि जब केदारनाथ आपदा आई उसमें मृतकों के मुआवजे तक के पैसे ये खा गए। तो वंशवाद इनकी पहचान है, भ्रष्टाचार इनकी पहचान है, लूट खसोट इनकी पहचान है और सांप्रदायिकता इनकी पहचान है। बताइए, कांग्रेस कहती है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे यूनिवर्सिटी बनती है तो सबके लिए बनती है, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हो उत्तराखंड को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके विकास का काम करेगी। मेरे बहनों और भाइयों, अभी जो विकास हो रहे हैं वो आपने देखा है, लेकिन अभी हमारी सरकार ने जो दृष्टि पत्र घोषित किया है, मुझे कहते हुए खुशी है कि घर घर में पीने का पानी अगर नल से देने की काम किया है तो मोदी जी और धामी जी की सरकार ने किया है, लगातार काम चल रहा है। मेरी बहनें वहां बैठी होगी, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, आपके घर में नल लगा के पाइपलाइन बिछा के टोटी वाले नल से पानी यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। कांग्रेस में तो पानी नहीं बचा तो पीने का पानी ये कांग्रेस कहां से देगी? हमने तय किया है गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर गैस के निशुल्क दिए जाएंगे और हमारे गरीब बीपीएल परिवार की बहनों, हम 2000 रुपए प्रति माह की दर से बहनों को सहायता राशि देंगे। गरीब बच्चों को 1000 रुपया दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कृपा करके माननीय प्रधानमंत्री 6000 देते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, पुष्कर धामी ने तय किया है कि 2000 की 3 किस्त, ये 6000 रुपया राज्य सरकार भी देगी, 12000 रुपया किसानों के खाते में आएगा और गरीब किसान का इससे कल्याण हो जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, राज्य के 10 पहाड़ी जिलों में जिसमें अपना यमुनोत्री क्षेत्र भी शामिल है, तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रोपवे नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वतमाला योजना शुरू की जाएगी। यमुनोत्री में भी रोपवे चलेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, जो परिवहन को बढ़ावा, जो हमारे पर्यटन को बढ़ावा देंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने तय किया है कि जो गरीब असंगठित मजदूर है उन गरीबों को 6000 रुपए तक की पेंशन हर महीना दी जाएगी ताकि बुढ़ापा ठीक कट सके 60 साल की उम्र के बाद। और एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी प्यार के खिलाफ नहीं है। प्यार तो माता और पिता से बेटा बेटी को भी होता है, भाई बहन में भी प्यार होता है, हम प्यार का सम्मान करते हैं, लेकिन लव के नाम पर जिहाद नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। हम कड़ा कानून बनाएंगे और जिसने इस तरह की गड़बड़ की उसको सीधे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम करेंगे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गलत चीजें नहीं चलेगी, कानून का राज होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आपको वचन है। मेरे बहनों और भाइयों, 4 धाम के अलावा एक 5वां धाम बन रहा है, सैन्य धाम, जिसके द्वार का ही नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। हम उत्तराखंड के सैनिकों को प्रणाम करते हैं, वीर जवानों को प्रणाम करते हैं। जब देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल होता है तो हाथ में बंदूक उठा के सबसे पहले उत्तराखंड का नौजवान सीमा पर जाता है और दुश्मन को ढेर करता है, और लड़ते लड़ते अगर गोली कभी खानी पड़ी तो पीठ पे गोली कभी नहीं खाई उत्तराखंड के जवान ने, गोली खाई तो सीने पे गोली खाके भारत माता का मान बढ़ाया है। ये उत्तराखंड की जवानी, ये उत्तराखंड का पानी, मेरे बहनों और भाइयों, इसका सम्मान करके उत्तराखंड के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाएगी।
कांग्रेस के झांसों में मत आना आप बिल्कुल। देखिए हमारे तो नेता तय है, हमारे सर्वोच्च नेता है नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है मोदी जी, दसों दिशाओं में विकास कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के नेता है पुष्कर धामी जी, पुष्कर का मतलब होता है तालाब, और कमल तालाब में ही खिलता है, विकास का कमल पुष्कर खिलाएंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बने। लेकिन कांग्रेस बता दे तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है भाई, अगर कांग्रेस के किसी नेताओं की मीटिंग में कह दो मुख्यमंत्री जी, तो 25 एक नेता खड़े होके नमस्कार करने लगते, एक दूसरे की टांगा खींची में लगे। अभी कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा हरीश रावत ने, ट्वीट करके कहा कांग्रेस में मगरमच्छ घुसे आए हैं, मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा है। यह हरीश रावत, उनके अध्यक्ष गोंडियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। एक बार केकड़ों में प्रतियोगिता का किसी व्यक्ति ने निश्चय किया और बर्तन में बहुत से केकड़े डाल दिए कि देखो कौन पहले आगे पहले निकलता है। अब बड़ी देर तक केकड़े निकले नहीं, ध्यान से देखा कि केकड़े निकल क्यों नहीं रहे, तो बर्तन में एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे थे, कोई दूसरे को चढ़ने ही नहीं दे रहा था। कांग्रेस तो केकड़ा पार्टी हो गई है, एक दूसरे की नेता टांग खींच रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये खेल कांग्रेस में चल रहा है। और इसलिए कांग्रेस भला नहीं कर सकती बहन और भाइयों, ये विकास के काम भी नहीं कर सकती। विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, भ्रम में मत आइए। पवित्र धाम, चार धाम में से एक धाम यमुनोत्री के संपूर्ण विकास के लिए, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ उम्मीदवार केदार सिंह रावत को विजयी बनाइए। केदार समर्पित है, लगनशील है, मेहनती है, समाज सेवी है, एक नहीं अनेकों विकास के काम इनने पहले भी किए हैं, मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक हैं केदार। इन्होंने बेरोजगार नौजवानों के लिए केंद्रीय सेवा में आरक्षण हेतु रवाल्टा, जौनपुरी समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय अनुसूची में शामिल करवाया। विकास कार्य में ग्राम पंचायतों के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम 2007 को उत्तराखंड में लागू करवाया। ताली बजा के केदार का स्वागत कीजिए। चिन्याली सोड़ व बड़कोट में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा खुलवाई। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प का कानून पर्वती जोत चकबंदी अधिनियम 2016 बनाकर लागू करवाया, जिससे श्रम समय और पलायन रुके और सरकारी योजनाओं का किसानों को लाभ मिले। 40 नई सड़कें, 28 सड़कों का डामरीकरण, बेसिक से डिग्री कॉलेज में फर्नीचर, कंप्यूटर, शिक्षक भवनों की व्यवस्था, वंचित परिवारों तोको छानियों तक निशुल्क बिजली की व्यवस्था। यमुनोत्री धाम के विकास के लिए 34 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करवाया। मैं कितने काम गिनाऊं, धन्य ऐसा विधायक और धन्य जनता जिनको इतना बढ़िया विधायक मिला है। एक बार ताली बजा के फिर केदार रावत का स्वागत कीजिए। और आज मैं आपको वचन दे रहा हूं, आज मैं नैनीताल की मां नैनी की पवित्र नगरी से मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर में बैठ के ही आपको वचन दे रहा हूं, केदार रावत अपने क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और केदार अकेले नहीं है, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खड़े, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े, और जरूरत पड़ी तो ये शिवराज मामा भी पीछे नहीं रहेगा। मैं इनकी गारंटी लेता हूं, विकास की गारंटी लेता हूं। केदार, केदार, केदार जब पुकारोगे तो मामा भी विकास में सहयोग करने आ जाएगा। तुमने पुकारा और हम चले आए, दूर मत समझना। आज नहीं आ पाया, अगली बार जरूर यमुनोत्री आऊंगा,
मेरा यमुनोत्री विधानसभा के भाइयों और बहनों से सबसे निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, केदार रावत को अपना विधायक बनाएं, पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाएं और विकास की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप जाएं। बोलिए सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, केदार रावत को विधायक बनाएंगे, धामी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे। तो आओ मेरे साथ संकल्प लो कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिता कर ही चैन की सांस लेंगे, कमल के फूल की बटन दबा कर ही चैन की सांस लेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के केदार रावत और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, बजरंगबली का मुक्का बनाइए, पंजा नहीं, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मामा भी फिर आपसे मिलने जरूर आएगा, अगली बार मामी को भी साथ लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।